हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? आई होप ऑल आर यू वेल एंड फाइन. चिल्ड्रन चिल्ड्रन, टुडे आई विल बी एक्सप्लेन यू द पोयम द काइट. द काइट रिटन बाय हैरी बेन. चिल्ड्रन, आज मैं आपको जो आपकी पोयम है सेकंड चैप्टर की द काइट, उसको एक्सप्लेन करने जा रही हूँ. तो आप लोग जो हैं बड़े ध्यान से सुने और समझें. ऑल ऑफ अस लाइक टू फ्लाई काइट्स. बच्चों, हम सब पतंग उड़ाना पसंद करते हैं. हैव यू एवर ट्राई टू फ्लाई वन? क्या आपने भी कभी कोई पतंग उड़ाई है? रीड दिस पोयम. आओ इसकी पोयम को पढ़ते हैं, जो अबाउट ए काइट एज इट फ्लाइज इन द स्काई, जो कि एक पतंग के बारे में है और जो आसमान में उड़ रही है. हाउ ब्राइट ऑन द ब्लू इज द काइट व्हेन इट्स न्यू. जब एक पतंग नई होती है तो वो ब्लू, यहाँ पर ब्लू का मतलब बच्चों आसमान है, जो कि आसमान भी नीले रंग का होता है. तो नीले रंग के आसमान में जब एक पतंग उड़ती है तो वो कितनी चमकदार लगती है. इट्स स्नैप इट्स टेल देन सोर्स लाइक ए शिप विद ए डाइव एंड अ डीप. इट्स स्नैप्स इट्स टेल. और जब ये डाइव एंड डीप, यानी कि जब हम स्विमिंग करते हैं तो डुबकी लगाते हैं, कभी नीचे कभी ऊपर, इसी तरह ये पतंग जो है आसमान में डुबकी मतलब आसमान में कभी डाइव करती है, कभी डिप करती है. और इस पतंग का जो स्ट्रक्चर्स होता है, जिसमें छोटी सी टेल लगी हुई होती है, उसे घुमाती हुई ये डाइव और डिप करती है. देन सोर्स लाइक अ शिप विद ओनली अ सेल. बच्चों, यहाँ पर पतंग की तुलना पाल के जहाज से की गई है, जो कि पुराने जमाने में जहाज चला करते थे जिसमें कोई भी इंजन नहीं हुआ करता था. और जिस तरफ हवा की डायरेक्शंस होती थी उसी तरफ जहाज चला करता था. तो हमारी पतंग भी एक जहाज की तरह उड़ती है. एस ओवर टाइड्स ऑफ विंड इट्स राइड्स. जिस तरह समुद्र में ज्वार भाटा कभी ऊंचे कभी नीचे, कभी ज़्यादा कभी कम होते हैं, इसी तरह हमारी पतंग, जैसे कि हवा का झोंका अगर तेज है तो पतंग उड़ान अच्छी भरती है, अगर कम है तो वो नीचे की तरफ जाती है. इसी तरह हवा के झोंके से हमारी पतंग में ज्वार भाटा आता है, यानी कि कभी उच्च शिखर पर पहुंचती है, कभी नीचे आती है. क्लाइंब टू द रेड्स ऑफ ए गस्ट एंड पुल्स, यानी कि हवा के तेज और कम की वजह से अगर हवा तेज होती है तो क्लाइंब टू द क्रेस्ट, यानी कि ये शिखा तक पहुँच जाती है, ऊंचाइयों पर पहुँच जाती है. और जब हवा कम होती है तो हम लोग क्या करते हैं, उसकी डोर को खींचते हैं. देन सीम्स टू रेस्ट एज विंड फेल्स विद फॉल्स. और जब तक हवा तेज नहीं चलती, जब तक ऐसे लगता है जैसे कि हमारी पतंग जो है आराम कर रही है. व्हेन स्ट्रिंग गोज स्लैक यू विंड इट्स बैक. और जब हवा कम होती है तो हम पतंग की डोर को लेकर भागते हैं, और भागने से जब हवा जो है हमारी पतंग, यानी कि जब तक हवा का झोंका तेज नहीं होता, हमारी पतंग जो है ऊंचाइयों पर नहीं पहुंच पाती, ऊंचाइयों पर नहीं पहुंच पाती. एंड रन अनटिल अ न्यू ब्रीज ब्लोस. और जब तक भागते हैं जब तक कि नई ठंडी हवा, नई हवा का झोंका जो है नहीं आ जाता. एंड इट्स विंग्स फिल एंड अप इट गोज. और हम पतंग की डोर को लेकर पतंग को भागते हैं, भागने से हवा जो है इसके पतंग के पंखों में, यानी कि पतंग में भरती है और वो ऊंचाइयों की तरफ जाती है. हाउ ब्राइट ऑन द ब्लू इज अ काइट व्हेन इट्स न्यू. कितनी सुंदर लगती है पतंग जब वो नई होती है और वो आसमान में उड़ी है. बट ए रेगुलर थिंग्स यू नेवर विल सी. लेकिन इसमें एक ऐसी बात है जो तुम नहीं देख पाते, वो क्या? व्हेन इट्स फ्लैप्स ऑन स्ट्रिंग इन द टॉप ऑफ ए ट्री. जब पतंग कटकर अपनी डोर के साथ किसी पेड़ की टॉप पर अट जाती है और वो फट जाती है, चिथड़े चिथड़े उसके हो जाते हैं और वो हवा में फड़फड़ाती रहती है, तब कोई भी उसकी तरफ नहीं देख पाता. तो बच्चों, इस पोएम के जरिए हैरी बेन ने यहाँ पर हमें पतंग के बारे में बताया. और आई होप आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी होगी और आपको समझ में आया होगा. तो बच्चों, आप बड़े ध्यान से इस पोएम को सुने और समझें. थैंक यू, हैव ए नाइस डे.